There are a few legal hassles from the company's point of view. Because what they have to do is they have to make sure by the EU laws that they don't find anyone as caliber as the international student to fill this job, right? So that's the hassle on their part. And yeah, you have difficulties in getting a job. India mein job scene obviously yahan se to zyada acha hai. अगर कहा जाए कि ज्यादातर employer ऐसे व्यक्ति को appoint करने में हिचकिचाते हैं जिसे work permit चाहिए, इस व्यवधान को दूर करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसके तहत जो विदेशी छात्र केवल साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री निश्चित तौर पर कंप्यूटर की नहीं यूके के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करेंगे उनको कोर्स पूरा करने के बाद एक साल का वर्क परमिट दिया जाएगा मगर एक साल बाद एम्प्लॉयर को ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब यूके में जॉब मिलने का चांस कम है तो निश्चित तौर पर छात्र इंडिया में वापस जाना चाहेंगे मगर इंडिया में वापस जाकर 10 से 15 लाख रुपए की रिकवरी कम समय में कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ भारतीय छात्र मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने कि कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया और एक साल का मास्टर डिग्री का कोर्स 2 या 3 साल में पूरा करते हैं क्योंकि कोर्स को एक्सटेंड करने पर उनका स्टूडेंट वीसा भी एक्सटेंड हो जाता है जिससे कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जो पढ़ाई पर पैसा खर्च किया है उसे कमाकर पूरा करते हैं। मगर 2-3 साल में इन छात्रों का पार्ट टाइम जॉब करके करियर लगभग ब्लॉक सा हो जाता है क्योंकि वक्त की बर्बादी को अतीत मानकर भविष्य में नहीं बदला जा सकता। कुछ छात्र इस बात को समझते हैं और इंडिया वापस चले जाते हैं। जब छात्रों से मैंने पूछा क्या इंडिया में वापस जाकर सैलरी ज्यादा मिलेगी, यदि हाँ तो क्यों? Yes, probably. Course I am doing, there is in microelectronics basically. Whether I do in India or here, it matters same. It doesn't carry much. But I need some international exposure, that's why. आदमी जिसने इंडिया में मास्टर्स कर रखा है कैसी यूनिवर्सिटी से, कोई एवरेज यूनिवर्सिटी से, उससे ज़्यादा मेरे को पे होगा क्योंकि यहाँ की मास्टर्स की वैल्यू इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। मैं मास्टर्स यहाँ ख़त्म करने के बाद इंडिया गए तो अच्छा पे मिलने के चांसेस है, लेकिन क्यों बोले तो मैं भी यहाँ का मैनेजमेंट जो पढ़ाई में जो तरीका रहते इंडिया से कंपेयर करें तो एजुकेशन सिस्टम से यहाँ बहुत लोगों को मालूम है, इसलिए अच्छा बोल के तो इसलिए मुझे पे अच्छा मिलने के चांसेस है बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट मी एज ए वर्थी कैंडिडेट। आई डोंट रियली थिंक सो, मेनली बिकॉज इफ अ पर्सन इन इंडिया हैज गॉट इक्विवेलेंट एजुकेशन एज आई एम द पे लेवल वुड बी द सेम बट द ओनली एडवांटेज आई माइट गेट दैट आई माइट बी गिवन अ प्रेफरेंस बिफोर हिम। फॉरेन डिग्री का चार्म अभी भी इंडिया में है कि आदमी यूके से पढ़ के आया तो उसकी जो बुकत है, उसकी जो फेस वैल्यू है, वो एक इंडियन डिग्री से ऑब्वियसली ज़्यादा है। Why are people wanting to go out? Is it just for money? No, it's for other reasons. Mainly recognition, talent orientation. जो फॉरेन एजुकेशन जिनके पास होती है उनको पे तो ज़्यादा होता है। अब रीज़न मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। I think it's more of a psychological reason. निश्चित तौर पर इसे यूके एजुकेशन का फायदा ही माना जाएगा। मेरे पास बहुत से सवाल है पूछने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये भारतीय छात्र जो कि यूके के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इसलिए शायद ये छात्र इंडिया में एजुकेशन सुधारने के बारे में कुछ अपनी राय दे सकें क्योंकि इन्होंने दोनों ही एजुकेशन सिस्टम को देखा है। इफ यू गो एंड आस्क एनीवन इन इंडिया व्हाई यू वांट टू डू पर्टिकुलर कोर्स, ही डजंट हैव वेरी क्लियर पिक्चर। दैट्स माय बिलीफ, लाइक पीपल जस्ट फ्लो, right? In 96-97 there was a flow of MBAs, I remember. Yeah, and everybody wants to do engineering. Why? What's your aim in life? What's your goal? Don't know. You need to. They might not, like, the students might not find the types of courses, you know, the different types of courses they offer here. It's not the same in India. We have to invest huge amount in developing the infrastructure and the education facilities and minimum needs which requires for a school, college or university. India mein mere khayal se industry ka interaction bahut kam hai education mein. Industry aur education jab bhi saath mein jaate hain to tab definitely, because the basic need of education is to create the things for need. What kind of research facilities do you provide to the students? What kind of industry exposure do you provide to the students? How do you bridge the gap between theory and practice? Because theory mein jo seekhte hai
and when you go into the actual industry, there is a big gap. So you have to bridge it. थोड़ा बहुत practical view भी लिया जाए. More seminars, more conferences. अपने यहाँ पे analytical skills काफी अच्छे हैं, mathematical skills काफी अच्छे हैं, और जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने किया था that really had very good professors as well. But problem ऐसा है कि वहाँ पर फंडिंग का प्रॉब्लम है. यू हैव टू हैव अ गुड रिसर्च फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट के लिए एक्सपोजर्स या फिर पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन्स पकड़ लो. सो एनी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स विच गिव यू एक्सपोजर एट अ ग्लोबल लेवल इज रियली इम्पॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो. जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा कि स्टूडेंट पूरा साल पढ़ने का सोचेगा, यहाँ की वो पूरा साल घूमने फिरने के अलावा सिर्फ एक साल एक या दो महीने पढ़ के अपने इम्तिहान पास करने का. इंडिया में एजुकेशन पैटर्न और इधर एजुकेशन पैटर्न एक ही डिफरेंस रहता है. इंडिया में जो पैटर्न होता है वो साल तीन साल चार साल वही चलता है, इधर तो वही अपडेट होता है. एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया टिल बैचलर्स इज फैंटास्टिक, देयर्स लाइक नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक तो रिसर्च और क्रिटिकल इवेल्युएशन का जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल नहीं है, ये उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए. इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा असाइनमेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड और ये शुरू कर लेना अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इंडिया में ये शुरू करने के लिए. ऑलरेडी इक्विपमेंट इतना नहीं है, फैसिलिटीज़ जो लाइब्रेरी या बुक्स का इंटरनेट का वो फैसिलिटीज़ नहीं है. तो पहले वो एंकरेज करे तो स्टूडेंट्स को एंकरेज कर सकते हैं कि जैसे वो रिसर्च करने के लिए और असाइनमेंट्स करने के लिए और एडमिशन पैटर्न या वहाँ तो बहुत लोग रहते हैं और इसलिए कोर्सेस का जो डिवीजन है वो नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कंप्यूटिंग पे यहाँ जो सिर्फ मास्टर्स पे ही चार या पांच डिफरेंट कोर्सेस रहते हैं, लेकिन इंडिया पे जो है सिर्फ कंप्यूटिंग का एक ही कोर्स रहते हैं, तो वो भी फर्क हो सकता है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को मिलता है वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और वही उस हिसाब से अगर उनको मिलता हमारे यहाँ मिलेगा तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल बी लाइक वे अहेड ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग हियर इन यूके एंड यूएस. मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय छात्र यूके में पढ़ने के लिए भारत से प्रतिवर्ष प्रतिभा पलायन के साथ साथ अरबों रुपए की भारतीय मुद्रा का भी पलायन करते हैं, क्या भारत सरकार ऐसा रोकने के लिए कोई सक्षम कदम नहीं उठा सकती जिससे कि प्रतिभा पलायन के साथ साथ भारतीय मुद्रा का भी पलायन रोका जा सके? छात्रों से अगला सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जितना पैसा आपने खर्च किया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिला है? साथ ही मैंने ये भी जानना चाहा कि आगे आने वाले भारतीय छात्रों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, जैसे कि कौन सा विश्वविद्यालय या कोर्स अच्छा है, क्या कंसल्टेंट्स के जरिए आना चाहिए कि नहीं. उम्मीद है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूके में स्टडी के लिए जाने की तैयारी में हैं या भविष्य में कभी यूके में स्टडी के लिए जाने की कोशिश करेंगे ये सुझाव महत्वपूर्ण होंगे. बेसिकली रिटर्न लेना हर किसी आदमी के ऊपर रहता है. अभी रिटर्न ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने इन्वेस्ट किया, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दिस वी कैनॉट गेट इन आवर लाइफ इन एनी टाइम. इतनी अच्छी ये नहीं कहूंगा कि आप आइए और पढ़िए, लेकिन अगर आ सकते हो तो एक बार आ जाओ. मैं ये नहीं कहूंगा कि आइए और बहुत ज्यादा ही अच्छी है. फिर से एक बार वही प्रश्न आ जाता है कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते तो हैं, एक साल में कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पर उसके बाद जॉब्स कहाँ पर हैं? हम लोगों को इंडिया में बताया जाता है कि बहुत जॉब्स हैं, पर सच्चाई शायद यही है कि बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत कम मास्टर्स प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसको करने के बाद कोई जॉब्स हम लोग अच्छी मिल सकती है. तो जहाँ तक स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने का सवाल है, वो लोग आ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से उन लोगों को वही कोर्सेज चूज करने चाहिए जो कि जिनके लिए यहाँ पर जॉब्स वैकेंसीज हैं और जिनके लिए यहाँ पर कुछ स्कोप है आगे वो कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद. जैसे कि एमबीए करने के बाद यहाँ पर स्कोप बहुत कम है, बिकॉज दीज पीपल प्रेफर टू टेक ब्रिटिश स्टूडेंट्स मोर देन स्पेशली इन मार्केटिंग फील्ड.